ये बिग वॉशिंग मशीन है, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, डंपिंग भी वीक हो चुका है और इसका जो मोटर है वो ड्रम नहीं घूम रहा है, तो इसका मोटर भी अब क्या है, ख़राब हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट चेंज करना है। आपको चेंज कर दिखाएंगे कि कैसे हम लोग चेंज करते क्या करते हैं, तो जो स्टेप बाय स्टेप होता है आपको दिखाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे सब। एक टेबल टॉप होता है, इसको पहले निकाल के एक साइड रखना पड़ता है टेबल टॉप को। ये डीडी ट्रे है, इसको ओपन करना पड़ता है। तो इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा रहता है, इसको खोलना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर। AIB मॉडल कौन सा है, AIB का मॉडल कौन सा है, सेरिना एक्वा SX 6.5 kg 1000 RPM है। तभी इसका डंपिंग लगाया जाता है। एक दगड़ होता है, दगड़ को क्या पूरा खोलना पड़ता है, वो डंपिंग चेंज करने के लिए जो दगड़ आता है। ये अभी डंपिंग निकालने जा रहे हैं इसको। ये देखिए डंपिंग निकल चुका है, ये क्या एकदम वीक हो गया है, वीक होने का अभी नया लगाने जा रहे हैं। ये ना ये क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। ये देखो सेकंड भी डंपिंग निकल चुका है, ये क्या एकदम वीक हो गया है। अभी हो गया है, ये डंपिंग लगा चुका हूँ, डंपिंग लगा रहे अभी मोटर चेंज करने जा रहे हैं। ये मोटर ख़राब हो चुका है, इसको बाहर निकाल रहे हैं।
ये मोटर होता है, ये क्या हुआ, ख़राब हो चुका है, अभी न्यू मोटर डालने जा रहे हैं। ये देखिए न्यू मोटर है, अभी इसको मशीन में लगा देंगे। ओके, कर देते हैं। अभी क्या है, वॉशिंग मशीन का सब कुछ पैक कर दिया है, फ्रंट पैनल पैक कर दी, पीसीबी लगा दिए हैं, सब हो गया है। अभी होने के बाद लास्ट में क्या है, इसका टेबल टॉप लगाने जा रहे हैं। टेबल टॉप लगाने के बाद सब पूरा पैकिंग कर, अभी चेक करके सब कुछ दिखा देंगे। तो फाइनली अभी अपना काम पूरा प्रॉपर हो चुका है, काम होने के बाद अभी सर को इसको दिखा देंगे। ये क्या टेबल टॉप होता है, टेबल टॉप अभी लगा के ठीक है, अभी एक बार चेक करके दिखाते हैं सर को। तो ये अपना आईएफबी की वॉशिंग मशीन है। तो अभी क्या है, इसका क्या क्या चेंज किए हैं, इसका डंपिंग चेंज कर चुका हूँ, डंपिंग चेंज कर मोटर चेंज करिए दे, तो ये दो प्रॉब्लम था, ये दोनों पार्ट चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद अभी ये मॉडल कौन सा है वो सब बता दे रहा आपको। ये मॉडल है सिरेना एक्वा एक्सएक्स 6kg 1000 RPM है, ये मॉडल हो गया है। ये आईएफबी कंपनी की वॉशिंग मशीन है, ये इसका दो प्रॉब्लम था, ये सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद अभी इसका फाइनली रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं कि प्रॉपर मशीन चलेगा, चलने के बाद सब ओके हो जाएगा। तो अभी क्या है, ये मशीन चालू होगा। तो अभी क्या करेंगे, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम जो है आईएफबी मनीष टेक, कभी कुछ होता है एनी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं, उस पर लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच सर।